हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुमा शाही किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की बेस्ट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे तैयार हो जाता है। हमने गाजर का हलवा बनाने के लिए लिया है 1 किलो गाजर, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, 1 कप चीनी, 1 कप दूध है फुल फैट, और हमने लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा खोया, पिस्ते, काजू, चिरौंजी, ये तीनों चीज़ें हमने 2-2 टेबल स्पून ली हैं, 3 टेबल स्पून घी, 5 से 6 साबुत छोटी इलायची जिसको हमने क्रश कर लिया है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हीट पे ऑन है। घी गर्म होते ही हम इसमें गाजर डालेंगे। तो ये सारी गाजर हमें घी में डाल देनी है। अच्छी तरह से हम गाजर को घी में मिक्स करेंगे और मीडियम हीट पे हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। सात मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम इसको खोल के देख रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं गाजर थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं। इस तरह से हमें मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे हमने दूध ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और दूध डाल के हमें 15 मिनट के लिए इसको कवर करके मीडियम हीट पे और पकाना है। 15 मिनट में 1 से 2 बार हम इसको खोल करके मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके बस 15 मिनट के लिए हमें इसको और पका लेना है। पंद्रह मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम इसको फाइनली खोल रहे हैं। हमने इसको बीच में 2 बार मिक्स किया था खोल के, और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से गाजर गल गई हैं। अभी हमें इसको खोल करके पकाना है। इसी तरह हमें खोल करके फ्राई करते रहना है, मीडियम हीट पे हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगना नहीं चाहिए। इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि इसका बाकी का जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। गाजर का हलवा घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है और घर की बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह तैयारी पे है और ड्राई हो रहा है ये। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीनी हमने इसमें डाल दी है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके चीनी मेल्ट हो रही है और आप देख सकते हैं ये फिर से पतला हो गया है। और इसी तरह से हमें चीनी को मिक्स करना है, बस हमें और चलाते रहना है इसको। 5 से 10 मिनट हमें और लगेंगे इस तरह से चलाते रहना है और पूरी तरह इसको ड्राई करना है। पूरी तरह ड्राई हो जाएगा जब ये, तो आपको दिखेगा इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बनाएं आप गाजर का हलवा, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलें। मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं छोटी इलायची जो हमने क्रश करके रखी थी। अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने लिए हैं पिस्ते, काजू और चिरौंजी। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कम या ज़्यादा।
और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे खोया। थोड़ा सा खोया हम बाद में ऊपर से डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं पूरी तरह तैयार हो गया है गाजर का हलवा। घी भी सेपरेट हो रहा है, बहुत अच्छी तरह भुन गया है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत अच्छा गाजर का हलवा तैयार हुआ है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत सिंपल रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार बना है। हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खोया, पिस्ते और इसके ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वरख। बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। एंजॉय करें गाजर का हलवा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।